आपने अभी तक हिट एंड ट्रायल मेथड्स की आपने कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड्स में कुछ अलग चीजें बताने वाला हूँ जो कि बैलेंस होती है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है अगर आप में कॉम्बिनेशन आ जाए कुछ चीजों का, जैसे आप में मेटल्स आ जाए, नॉन मेटल्स आ जाए एंड हाइड्रोजन आ जाए एंड लास्ट ऑक्सीजन आ जाए, तो इन सब में क्या है कि आप बैलेंस पहले किसको करोगे, किस इक्वेशन किस किस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को करोगे, तो ये आता है पहले आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेटल्स को हम हिंदी में धातु कहते हैं, नॉन मेटल्स को अधातु कहते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, आपको मेटल्स में, जैसे मेटल्स में कौन आ जाते हैं, आपका आ जाता है आयरन, एल्यूमिनियम, AgNCU, ये आपकी चीजें आ जाती हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स में आप कैसे याद रखोगे, हॉर्न्स के नाम से, कैसे, हॉर्न्स, HONS, हॉर्न्स। एच से होता है आपका हाइड्रोजन, ओ से होता है आपका ऑक्सीजन, एन से होता है आपका नाइट्रोजन एंड एस का मतलब होता है आपका सल्फर, ठीक है, ये आपके हो गए नॉन मेटल्स। एंड लास्ट में आता है आपका क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये है बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप यहाँ पे हॉर्न्स के नाम से आप याद रखना, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और लास्ट में ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का हम मेटल्स और नॉन मेटल्स ज्यादा दोनों को हम दोनों ही मानते हैं, लेकिन ये एक अनदर लेवल होता है जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, आपको बस इतना याद रखना ऑन्स के नाम से, और यहाँ पे है हाइड्रोजन और लास्ट में होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल्स में, ठीक है, बेसिकली आप, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन को भी भूल जाओ, ठीक है, ऑक्सीजन को भी आप भूल जाओ। अब बात आती है जैसे यहाँ पे आप जैसे क्लोरीन बोल सकते हो, क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन, सोडियम और सल्फर। अब इसमें अब मैं बैलेंस की बताता हूँ कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने जैसे मैंने इक्वेशन लिखी H2+O2=2H2O। अब आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो दुनी चार, चार हाइड्रोजन है, चार क्या है, एच है, और यहाँ पे दो एच है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को भी दो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो। अब जब ये दो है तो आप देखो यहाँ पे कैसे बैलेंस होगी, देखिए आपको खुद ही पता लग रहा हो कि यहाँ पे कितने हैं, चार, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी दो से। तो मैंने आपको बताया कि जब भी मल्टीप्लाई करते वो नीचे कभी नहीं करते, आप नीचे कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, आप हमेशा सामने से करना, ठीक है। तो जब आप सामने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगी, बैलेंस होगी, देखिए यहाँ पे 2-2, 2-2, O2, और यहाँ पे जब आप O से मल्टीप्लाई करोगे, अब कुछ रिएक्शंस मैं लिखता हूँ आपको, वो हमें बैलेंस करनी होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे H2+O2=2H2O। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे दो हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे दो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, दो दुनी चार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, चार, और यहाँ पे ऑक्सीजन, जब आप दो को इससे मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन से तो ये कितने हो गए, दो। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस है ना, बराबर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, चार, हमें बैलेंस करना है। अब ऐसा तो है नहीं, हमने पढ़ा था, क्योंकि हम रासायनिक, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड आल्सो प्रोडक्ट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, सो वी कैन से दैट हेयर टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट एंड फोर ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन इज ग्रेटर, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय टू, तो 2 × 2 तो इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4H, और ये भी अब क्या हो गया, बैलेंस। अब हमने यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे सामने से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपका ये हो गया आपकी फर्स्ट रिएक्शन हमने वाटर की। अब यहाँ पे आता है दूसरा, जैसे Al2+ मैंने यहाँ लिखा 3O2, तो ये हमारा बना Al2O3। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है, देखिए
मैंने क्या बताया था आपको, पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए हाइड्रोजन अलग है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है हमारा मेटल्स में, एल्यूमिनियम किस में आता है हमारा मेटल्स में, अब मेटल्स में आता है, मेटल्स को हम क्या कहते हैं धातु, क्या कहते हैं हम धातु, ठीक है ना, लोहा आयरन ये सब आपके धातु में आते हैं, तो एल्यूमिनियम आपका क्या धातु, तो हम पहले किसको बैलेंस करेंगे Al को, तो यहाँ पे Al कितने हैं, यहाँ पे Al है यानी एल्यूमिनियम है कितने दो, आपको दिख रहा होगा दो, और यहाँ पे कितना है एक, यहाँ पे कितना है एक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप दो से मल्टीप्लाई करोगे मैंने बताया क्या कि आप सामने से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2Al हो गया, यहाँ पे भी Al, तो ये हो गई बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं छह, कितने छह, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं तीन, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि दो से जो है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोतिया क्या हो जाएगा छह, और जब ये छह हो जाएगा तो ये बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट अब यहां फिर से देखिए आप क्या कि यहाँ पे जब मैंने इसको दो से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो हो गया छह, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम में कितने हैं दो, और यहाँ पे अब मैं दो को दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे आप चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है दो दूनी चार, तो यहाँ पे कितना हो गया अब चार, और यहाँ पे कितना दो, तो मेरे को इसको हटा के मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे चार, तो चार करूंगा, अब देखो यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे दो दूनी चार है, तीन दूनी छह है, दो तिया छह है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 4Al होगा, यहाँ पे तीन दुनी छह थे, अब यहाँ पे भी चार होगा, यहाँ पे दो तिया छह होगा, ये भी तीन दुनी छह ही तो हुआ बाबू, तीन दुनी छह, और यहाँ पे दो को तीन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी क्या हो गया दो तिया छह, तो ये हमारी हो गई बैलेंस इक्वेशन। N2 plus S2 is equals to NH3. NH3 को हम क्या कहते हैं अमोनिया, याद रखेंगे क्या आप कहते हैं बच्चों NH3 को हम कहते हैं अमोनिया, तो अमोनिया हमारी जो चीज है किससे बनी है डाइनाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन से, इसको दो को हम डाई बोलते हैं, ठीक है डाई बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए N2 क्या है हमारा नॉन मेटल, देखिए यहाँ पे आ गया ना ये N, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, N यहाँ पे क्या है नॉन मेटल, अब हम पहले नॉन मेटल्स को देखो बराबर करेंगे, यहाँ पे N कितने हैं दो, ठीक है यहाँ पे n कितना है एक, यहाँ पे देखिए n क्या है यहाँ पे एक, यहाँ पे नीचे दो है, यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है तो मतलब हम समझ जाएंगे यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कितना है दो, तो हमको इसको बराबर करना है, यहाँ दो है यहाँ एक है तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे दो से, तो यहाँ पे मैंने हर बार बताया क्या कि हमेशा सामने से ही मल्टीप्लाई होगा दो से, ठीक है अब दो n होगा ये भी दो n होगा, मतलब ये दोनों चीज क्या हो गई सेम हो गई। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं दो हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा दो तीन छह, तो यहाँ कितने हो गए छह, जब ये छह हो गए और यहाँ पे कितने दो, तो हाइड्रोजन यहाँ छह, हाइड्रोजन यहाँ छह, और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ दो, तो मैं क्या करूंगा इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर दू, तीन दोनों छह होता है मुझे पता है अच्छे से, तो तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने हो गया छह, तो मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया तीन से, तो यहाँ पे भी सामने में क्या लिख दूंगा तीन, तो ये क्या हो गई अब मेरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। स्टार्ट, अब हमने ये Al2O3 HCl AlCl3 प्लस H2O, अब हम ये रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करना है अब आप समझिए, देखिए Al एल्यूमिनियम हमने क्या बोला था पहले हम किसको करेंगे मेटल्स को करेंगे, एल्यूमिनियम देखिए आपका किस में आता है मेटल्स में, एंड क्लोरीन क्लोरीन किस में आता है आपका नॉन मेटल्स में, ये क्या है नॉन मेटल और ये क्या है आपका मेटल, क्या एल्यूमिनियम, ठीक है आपका एल्यूमिनियम क्या है आपका मेटल, HCl क्या है आपका नॉन मेटल, ठीक है अब मुझे पता है क्या कि मैं पहले बैलेंस करूंगा किसको मेटल्स को, तो मेटल्स यहाँ पे कितने हैं देखिए Al 2 है यहाँ पे कितने दो और यहाँ पे Al कितना है एक है, तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे है एक, एक क्या है एल्यूमिनियम और यहाँ पे एक कितना है यहाँ पे एल्यूमिनियम दो है और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है एक है, तो अब यहाँ दो है यहाँ एक है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दो से मल्टीपल कर दूंगा, तो दो से जब मल्टीपल करूंगा तो ये कितना मैं यहाँ पे सामने क्या लगा दूंगा दो, अब मैंने यहाँ दो लगाया तो देखिए ये तो हो गई बैलेंस Al Al मेरा हो गया, अब बचा क्या मेरा नॉन मेटल, सेकंड नंबर क्या आता है हमारा नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल यहाँ पे देखिए यहाँ पे Cl कितना है एक, यहाँ पे Cl कितने हैं छः,
देखिए ना आप, दो को आप तीन से मल्टीप्लाई करोगे, दो तिया छः, तो यहाँ पे सीएल कितने हैं, यहाँ पे सीएल हैं छः। कैसे, क्योंकि दो तिया क्या होता है, छः तो होता है आपका, है ना, तो सीएल कितने हो गए छः। और यहाँ पे सीएल कितना है, यहाँ पे सीएल है सिर्फ और सिर्फ एक। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, छः से, तो ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, छः से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ जी ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, छः। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए मेरे छः, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, दो। यहाँ देखिए अब आपके हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब मुझे छः बनाने, मुझे पता है क्या, तीन दूनी कितना होता है छः, तो यहाँ पे दो तो पहले से तीन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, तीन। तो तीन दूनी छः, छः हो गए, हाँ जी छः हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अब बैलेंस हो गई इक्वेशन, कैसे, अब देखो, अब लास्ट क्या बचा हमारा, ऑक्सीजन, हमारा क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ओ कितने हैं, तीन, आपको तो दिख रहा होगा ओ कितने हैं यहाँ पे, तीन। और यहाँ पे ओ कितने होगा, आप देखो यहाँ पे आप तीन को ओ से मल्टीप्लाई करोगे तो ओ भी कितने हो जाएंगे, तीन। तो हमारा ओ तो अपने आप बैलेंस हो गया, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो अब हम दूसरे रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, H2SO4MgOH का। ये जो ब्रैकेट है, आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, होल टॉइस। क्या कहते हैं बच्चों, होल टॉइस। जब हम इसे होल टॉइस कहते हैं तो ये क्या है, इसका ट्वाइस है, मतलब दो है, ठीक है। MgSO4 और H2O, देखो यहाँ पे होल टॉइस, इसका मतलब क्या, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या, कि ये OH का होल टॉइस टू, OH का होल टॉइस टू का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, ऑक्सीजन भी हमारे क्या है, दो है। आप इसका मतलब समझ गए, ठीक है। तो ये कितने हमारे, दो, और ये भी हमारे हैं कितने, दो। तो अब बच्चों, अब मेरा देखो, अब यहाँ पे समझो, ये क्या है H2SO4, ये क्या है MgSO4। यहाँ पे Mg कितना है, एक, Mg कितना है, एक। SO4 इसमें कोई भी चेंज ही नहीं है, इसमें तो SO4, S कितना है, एक है, और O कितने हैं, चार हैं, है ना। S हमारा एक है, O हमारे चार हैं। यहाँ पे देखिए, S भी हमारा एक है और O हमारे चार हैं। ये आंकड़ा और ये आंकड़ा देखिए, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है। मतलब इन तीनों चीजों में कोई चेंज नहीं है। अब बची क्या हमारा H2, क्या H2 एंड OH का होल टॉइस टू। अब देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे H कितने हैं, दो। अब मैं इसको भी खोलूंगा तो ये क्या होगा मेरा OH, मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, O के भी हमारे कितने होंगे, दो, और हाइड्रोजन के भी कितने होंगे, दो। तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, तो दो दो कितने हो गए, चार। कितने हो गए, चार। और यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे सिर्फ दो। देखो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रहा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो और दो, क्योंकि वोल्टेज मैंने यहाँ पे अभी खोला है आपके सामने। तो दो दो चार, और यहाँ पे कितने हैं, दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, दो दूनी चार होता है मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दो से मल्टीप्लाई। अब लास्ट में बचा क्या आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बचा, तो अब ऑक्सीजन को फिर बैलेंस करना है। अब आप ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो, है ना। और कहीं तो मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, हाँ जी ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ये रहा मेरा ऑक्सीजन दो, और यहाँ पे भी कितने हैं, नहीं ये तो हो गया हमारा, हो गया, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है ना, ये ओ फोर है, ओ फोर तो हमारा इसके साथ चला गया ना, एसओ फोर, ये रहा एसओ फोर, यहाँ पे भी एसओ फोर, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो बराबर ही था। तो इसको तो आप छोड़ दो, बचा क्या, बस ये वाला ओ। अब यही ओ रह गया ना, क्योंकि ये तो यहाँ चला गया, हो गया इसका काम खत्म। ये वाला रह गया ओ कितने है, दो। यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे जब ओ को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ भी हमारा कितना हो जाएगा, दो। तो ये भी हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको मैं कुछ केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ जो कि आपको बैलेंस करनी है। आपका ये पहली है, आपकी फर्स्ट, आपका दो, एंड लास्ट इज थर्ड। आपको ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है, घर से आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखनी है, और आपको इन सब के रियल आंसर्स आपको देने हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, और मैं आपको इनके सॉल्यूशंस आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे करने हैं। अब मैं आपको एक बेसिकली एक ट्रिक की बात करने जा रहा हूं, जो कि है लास्ट आपकी ट्रिक है, जो कि एक थोड़ी सी आसान भी है और थोड़ी सी मुश्किल भी है, जो कि आपको करनी हो सकता है मुश्किल हो जाए। O2 is equals to आपका है NO plus H2O, NO plus H2O, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिक की बात करेंगे, जो अब आपको बहुत दिक्कत हो क्या बैलेंस करने में, लगेंगे आपके यही स्टेप, बट अगर आपको दिक्कत आ जाए तब आप इस ट्रिक का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कि देखियो, आप इस पूरी टर्म को क्या लोगे,
ए, क्या लोगे आप ए, इस पूरी टर्म को क्या लिया बी, इस पूरी टर्म को क्या लिया सी, इस पूरे को क्या लिया हमने डी। तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है, हमने तीनों एलिमेंट्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए एन कितना है यहाँ पे एक, एन तो यहाँ पे एक है, एच तीन है, वो यहाँ पे कितना है दो, तो एन एक है, तो एक गुणा में यहाँ पे मैंने इस पूरे टर्म को क्या माना ए, तो मेरा क्या हो गया ये पूरा एन कितना हो गया ए। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया ए, ठीक है, तो जब मेरा ये ए हुआ ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ए। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में भी कितना है सी, मैंने इसको क्या बोला सी, तो मेरा ये बराबर का निशान है ना, बराबर का निशान है, तो ए बराबर किसके होगा सी के, किसके बराबर होगा सी के। नाउ अब हम किसकी देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और कहीं तो दिख नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा ठीक है। अब क्या देखेंगे हम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में आप देखिए क्या, ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने हैं दो, कितने हैं दो, तो दो को बी से गुणा करेंगे, दो को बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टू बी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे टू बी। अब यहाँ पे बराबर का निशान, हाँ जी बराबर का निशान, तो बराबर का निशान लगा, यहाँ पे और तो है नहीं, बराबर का निशान था लगा दिया हमने। अब यहाँ पे ओ कितना है एक है, तो यहाँ पे एक को मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा सिर्फ मेरा सी, प्लस का प्लस डी को मैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ही है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक डी, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है तीन, तीन है, और ये किस इस पूरी चीज को मैंने क्या माना ए, तो तीन इंटू ए यानी थ्री ए, तो कितना हो जाएगा मेरा थ्री ए बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो थ्री ए का थ्री ए, थ्री ए प्लस में यहाँ पे कितना है एच दो, देखिए आप यहाँ पे कितने हैं दो, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे दो, यहाँ पे मैंने इसको क्या माना डी, तो टू डी। अब मैंने क्या किया ए और सी की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया एक, मैंने क्या मान लिया एक, तो अब क्या होगा कि मैंने जब ए की वैल्यू एक मान ली और सी की वैल्यू एक मान ली, तो यहां पे मैंने इस पूरी वैल्यू को ए माना, तो अब यहां पे क्या करेंगे पुट करेंगे, क्योंकि यहां पे हम पुट कर सकते हैं, क्या है यहां पे थ्री ए बराबर क्या है टू डी, जिससे हमारी क्या वैल्यू निकल जाएगी डी की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू क्या मानी एक, तो थ्री इंटू एक बराबर क्या होगा टू डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा तीन बट्टे दो, तो डी की वैल्यू आ गई मेरी तीन बट्टे दो। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू में पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास सी की भी वैल्यू है डी की भी वैल्यू, सी की मैंने वैल्यू भी क्या मानी एक और डी की वैल्यू मैंने भी निकाली, तो टू बी बराबर क्या होगा सी प्लस डी, तो 2b, c की वैल्यू मैंने क्या मानी आपके लिए एक, तो एक मानी, d की वैल्यू भी हमने सॉल्व किया, तो हमारे कितने तीन बटे दो, तो कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा पांच बटे दो, तो 2b, तो b को गुणा है इधर आए तो भाग, तो क्या हो जाएगा b बराबर मेरा कितना आ जाएगा पांच बटे चार, तो हमारी फॉलोइंग आंसर्स आ चुके हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है एक, c की वैल्यू कितनी है एक, d की वैल्यू है कितनी तीन बटे दो, और B की वैल्यू कितनी है हमारी पांच बटे चार। तो मैं इस पूरी क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, अब मैं एज इट इज वही करता हूं, एक की वैल्यू एक को मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा एक है, तो एक को मैंने इस पूरी से मल्टीप्लाई किया कितना एक, तो मेरा कितना बना एन एच थ्री प्लस मेरा ये क्या है बी, बी कितना है मेरा पांच बटे चार, बी ये रहा बी भाई साहब बी बी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो पांच बटे चार और ये भी मेरा क्या है बी, तो बी को इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा पांच बटे चार ओ टू, देख लीजिए पांच बटे चार ओ टू ओ टू, क्यों, क्योंकि ये भी बी था और ये भी बी माना था, ठीक है। अब बराबर का निशान, हाँ जी बराबर का निशान एन ओ, क्या है ये एन ओ, तो एन ओ, एन ओ मैंने क्या माना सी, सी की वैल्यू कितनी है मेरी एक, तो मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो एन ओ का एन ओ ही रहेगा, ठीक है ठीक है। एच टू ओ मैंने क्या माना डी, क्या माना डी, डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी तीन बटे दो, तो तीन बटे दो गुणा में क्या एच टू ओ। अब एक बात हमेशा याद रखना क्या कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, यानी भिन्न में नहीं होते, भिन्न का मतलब क्या न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स में नहीं होंगे, यानी आंसर हर में नहीं होंगे। ये क्या हमारा आंसर, ये क्या है आंसर, हमें कैसे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है चार, तो मैं क्या करूंगा इसको चार को मुझे हटाना, मैं क्या करूंगा चार से गुणा कर दूंगा, पता है ना आपको क्या कि चार एक बटे चार, चार को चार से काटूंगा तो कितना आ जाएगा एक, तो मैं क्या करूंगा चार से मल्टीप्लाई, अब मैं चार से मल्टीप्लाई करूंगा। आप हमेशा याद रखना कि केमिकल इक्वेशन में आप कोई भी मल्टीप्लाई करो, ये भी मैथ की तरह ही है, आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो दोनों साइड करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो मैं इसको क्या करूंगा चार से मल्टीप्लाई, तो चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो चार एन एच थ्री, देखिए यहाँ पे चार एन एच थ्री हो गया, हाँ जी। अब चार को चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा चार से चार कट जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ पांच, तो बचा क्या पांच ओ टू,
इज इक्वल्स टू एनओ। अब चार को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, चार एनओ प्लस, अब मैं यहां पे चार है, यहां पे कितने हैं दो, है ना, तो चार गुणा में तीन बटे दो। अब देखिए दो से इसको काटूंगा कितने बार में, दो बार में, ये क्या है एच टू ओ, तो दो तीन कितना हो जाएगा छह, तो ये मेरी एज इट इज इक्वेशन क्या आएगी, फोर एन एच थ्री इज इक्वल टू फाइव ओ टू इज इक्वल टू फोर एन ओ प्लस में दो तीन छह, तो छह एच टू ओ, ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। क्या हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन।